विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा शहर हो या मेरा गांव, फूलों की तरह हमेशा महकता रहे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी देशवासियों, विदेशों के हित मित्र, सभी परिवार सहित मुस्कुराते रहें। आप सभी को स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि जानते हैं 7 अप्रैल 2021 है, आज स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। आज संपूर्ण राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होगा कि विभिन्न तरह के जो सेलिब्रिटीज और दिवस मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि अपने समय के साथ सभी खुश रहें और उत्सव उमंग का दिन होता है। जो दिवस मनाया जाता है वह मानव को खुश रहने का एक मौका दिया मिलता है और उसी के प्रति एक दिन महत्वपूर्ण दिन होने के कारण लोग विशेष जागरूक होते हैं और सेलिब्रिटीज करते हैं, लोग खुश होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से मिलते भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आसपास जो भी स्वास्थ्य जीवन की कामना जिस तरह से देखा जाता है, जो बुजुर्ग हैं बहुत ही हष्टपुष्ट होते हैं, बहुत से जो है बीमार होते हैं, तो उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी लोग उत्सव वर्धक बनाइए और जो बीमार हैं उन्हें आप जो है निगेटिव बातें मत कीजिए। आप हमेशा कहिए कि आप अच्छे होंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, आप पे दवा खाइए, आप पे स्वास्थ्य के प्रति उन्हें चिंता जिस तरह से निगेटिव बातें करके आप उन्हें बिल्कुल भी डराए नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उस पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए प्रार्थना उस परम शक्ति से कि आप सब लोग जो है अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपका मन भी स्वस्थ रहे। अगर शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो काम करने में हमारी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे ही मन और शरीर से स्वस्थ रहें तो वास्तव में हमारे इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 4 चांद लग जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है उसकी दूसरी लहर भी इस समय बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी, हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ्स, नर्स, बहुत से स्वास्थ्य कर्मचारी जो रात दिन लगे हुए हैं स्वास्थ्य के प्रति सबको सजग कर रहे हैं, सबकी सेवा में लगे हुए हैं कि इस महामारी कोविड-19 से कैसे लोगों का बचाव हो और कैसे लोग स्वस्थ रह के अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को बचाकर अपने देश की सेवा में लगे रहें, देश की सेवा करते रहें। आप सब लोग को अच्छे से मालूम होगा कि फ्रंट लाइन के जो हमारे ये स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने अपनी तन मन धन से जो सेवा की, तन जो है उन्होंने लगाया रात दिन, मन उन्होंने कंसंट्रेट किया कि हमें हर एक को देखना है, हर एक को बचाना है, और धन जो हमारा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को खरीद के दिया उस सबको सही समय पर उपयोग करके सबको स्वस्थ रखने की जो पहल, उस सब में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना रोल अदा किया है और इस सब के लिए ये बधाई के पात्र हैं और इनका हम सब लोग बड़ा ही जो है एक तरह से उत्साहवर्धन करते हैं। और साथ ही साथ इन सब कार्यों के लिए जो हमारे पुलिस विभाग के लोग और अन्य विभागों के लोगों ने जो तालमेल बैठाया उस पर भी हम उनको जो है बहुत ही एक तरह की जो है उनका ऊर्जावान करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि वास्तव में विश्व स्वास्थ्य दिवस तभी संभव है जब हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का इसके प्रति सजग रहे, इसके प्रति कार्य करे और इसके प्रति लोगों को जागरूकता और सतर्कता के बारे में बताता रहे, समय समय पर उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो नई नई जो टिप्स हैं, नई नई जो बातें हैं उनको बताता रहे, जिससे कि हम कम से कम दवाइयों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रखकर इस देश के विकास में, इस देश के आर्थिक विकास में, इस देश के साइंटिफिक
जो हमारा तकनीकी विकास है उसमें, यानी कि हम हर तरह से अपने भारतवर्ष के विकास में एक तरह से जुटकर इस देश को बहुत आगे ले चलें। और यही सही हमारी इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यही कामना है कि आप सब लोग जो है पुनः एक बार जो है फिर सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक हो। आप सब लोग जो है समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपील है, निवेदन है, एक सहयोग मांग रहा हूं कि बिना मास्क के बाहर ना निकलें और बिना जो है सैनिटाइजर के हाथ जो है अपना धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, हो सके तो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और ज़्यादा समय ना खराब करें वहाँ भीड़ भाड़ में। अगर जाना भी है तो मास्क लगा के हर तरह से बिल्कुल रेडी होकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है एक तरह का जो है अनुपालन बिल्कुल करें और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखें कि हमें बहुत ही सजगता और सतर्कता के साथ रहना है। भीड़ भाड़े इलाकों में जाने से पहले तो परहेज करें, अगर आपको लगता है तो वहाँ पर बहुत कम समय दें, क्योंकि जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सजग नहीं हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप जो है इन सब चीज़ों से इक्विप्ड हो जाइए, इन सब चीज़ों को जो है मानिए, इन सब चीज़ों को ले कर चलिए, फिर भी जो है वो जो है इस चीज़ों के प्रति अभी भी थोड़ा सा लापरवाह दिख रहे हैं। उन सबसे मेरी अपील है कि जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए, इस COVID-19 के लिए अति आवश्यक हैं, उन सब का पालन उन सब के लिए गंभीरता से लें, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए कहीं ना कहीं से एक तरह का जो है चीज़ें आकर हमारे परिवार में, हमारे बीचों में फैल जाएं और हम सब लोग परेशान हो जाएं। आप सब लोगों से पुनः एक बार अपील कि विश्व स्वास्थ्य दिवस को सफल बनाने के लिए आप जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हाथ को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, हो सके तो भीड़ भाड़ इलाके में कम से कम जाने की कोशिश करें, ना जा पाएँ तो अपने मोबाइल से या अपने ऑनलाइन से या अपने और माध्यम से जो है उस चीज़ को काम करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो है आप जो है अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है उसको बढ़ाने के लिए जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा, उसको अवश्य ग्रहण करें, उसको अवश्य जो है लें, जिससे कि हमारा जो आज का विश्व स्वास्थ्य दिवस है बहुत अच्छी तरह से हम सब लोग मनाएं और हम सब लोग इसकी जो उपयोगिता है उसको समझें। यही आप सब लोगों से विनती और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ से चीफ, वेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।